हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एंजाइना पेक्टोरिसिस के बारे में। तो एंजाइना पेक्टोरिसिस क्या होता है, इस वीडियो में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एंजाइना पेक्टोरिसिस। तो सुनो, हमको पता है कि अगर हम एक मोटा सा पाइप लें, मोटे से पाइप में ज़्यादा पानी बहेगा, और हमको पता है कि अगर हम पतला पाइप लें तो पतले पाइप में कम पानी बहेगा। ठीक है, अब चलो, यही कॉन्सेप्ट हमारा एंजाइना पेक्टोरिसिस में भी है। तो देखो, हमको पता है कि हम क्या करते हैं, अपने नाक के द्वारा क्या करते हैं, सांस लेते हैं। सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स में क्या पहुंचा है, ऑक्सीजन। और हम खाना खाते हैं, खाना खाने से हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कहाँ पहुंचा, हमारा इंटेस्टाइन में। अब देखो, मतलब हमारा बॉडी में कौन पहुंचा, ऑक्सीजन, और हमारा पहुंचा न्यूट्रिशन, ये दोनों मिला पहुंच गए। वहां कौन खड़ा है, ब्लड। ब्लड दोनों को पकड़ता है, दोनों को पकड़ के बॉडी में हर जगह क्या कर देता है, सप्लाई कर देता है। जहां जहां जरूरत होती है क्या करता है, ऑक्सीजन न्यूट्रिशन को क्या करेगा, ब्लड सप्लाई कर देगा। ठीक है, अब देखो, अब हमको पता है कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक दिल, जिसको हम बोलते हैं हार्ट। अब उस हार्ट को फाड़ दो, हार्ट को फाड़ोगे तो उसके अंदर आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा। आपको स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये रहा मेरे पास एक हार्ट, और इस हार्ट को हमने यहाँ से चीरा लगा के फाड़ दिया है, अलग कर दिया है। तो ध्यान से देखो, उसके अंदर एक पाइप टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। इसी में हमारा क्या हो रहा है, ब्लड बह रहा है। अब ब्लड क्या लेके चला है, हमारा ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन लेके चल दिया है, और इसी में बह रहा है। और देखो, इसका कनेक्शन किसके है, ब्लड से, सॉरी मसल से। इस कोरोनरी आर्टरी का कनेक्शन किससे है, हमारा इस मसल से। मतलब ये कोरोनरी आर्टरी क्या करेगा, ऑक्सीजन को क्या करेगा, इस मसल्स को दे देगा कि लो भैया अपना आप क्या करो, काम करो। तो इसी कोरोनरी आर्टरी में क्या होता है, कुछ दिक्कतें पैदा हो जाती हैं, प्लेक का फॉर्मेशन हो जाता है। प्लेक के फॉर्मेशन हो जाने की वजह से ऑक्सीजन इसको कम दे पाता है, मसल को ऑक्सीजन कम मिलेगा, तो यहाँ पे लगेगा पेन होने लगेगा। आपको आपके लेफ्ट साइड में क्या होगा, यहाँ पेन होने लगेगा। धीरे धीरे पेन आपके पूरे नीचे चला जाएगा, पैर तक, फिर पूरा आर्म में, हाथ में, फिर धीरे 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 पूरा लेफ्ट साइड पकड़ते हुए धीरे धीरे पूरा, फिर आपको पूरे बॉडी में पकड़ लेगा। तो ये था हमारा एंजाइना पेक्टोरिसिस में। तो मतलब कोरोनरी जो आर्टरी होता है, जो ब्लड उसमें से आता है, उसमें क्या होता है, प्लेक का फॉर्मेशन हो जाता है। अब आप सोचो कि प्लेक क्या होता है, तो सुनो, हमको पता है कि हम खाना खाते हैं, खाना खाने से हमको फैट और लिपिड भी मिलता रहता है। ठीक है, तो देखो, ये हमारा कोरोनरी आर्टरी का छोटा सा पार्ट हमने काट लिया, काट के यहाँ फिगर लगा दिया हमने। अब देखो, हमारा ये क्या, इसी में हमारा कोरोनरी आर्टरी है। कोरोनरी आर्टरी में क्या हो रहा है, हमारा ब्लड क्या हो रहा है, बह रहा है। अब हमारा ये ब्लड देखो, इसमें से बह रहा है, वहां पे ये हो गया प्लेक का फॉर्मेशन। प्लेक का मतलब फैट और लिपिड जाके क्या होते हैं, जो आर्टरी का जो वॉल्स होता है, जो पाइप का दीवार है, उस पर इकट्ठा हो जाते हैं। ये रहा हमारे इकट्ठा हो गया। अब देखो, इकट्ठा हो गया तो यहाँ पे तो ज्यादा ब्लड जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे जगह ज्यादा थी। अब यहाँ पे इतना मतलब जमा होगा, तो ब्लड देखो यहाँ से कम निकल रहा है, तो कम निकलेगा तो ऑक्सीजन भी लेकर निकल चल दिया था। अब यहाँ पे तो ज्यादा ऑक्सीजन होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लड ज्यादा है। अब यहाँ पे ब्लड कम निकल रहा है, मतलब हमको क्या हो रहा है कि ब्लड ऑक्सीजन भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो आगे ये किससे जुड़ा हुआ है, मसल से। मसल को मतलब ऑक्सीजन कम मिलेगा मसल्स को, तो हमारे इसी जगह पेन होना स्टार्ट हो जाएगा हार्ट में। मतलब हमारा हार्ट अगर ज्यादा दिक्कत हुआ तो आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो पूरा क्या होता है कि मेनली आपके चेस्ट में क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरिसिस में पेन होने लगता है। धीरे धीरे ये पेन आपके लेफ्ट साइड से होते हुए पूरे बॉडी में क्या होता है, फैल जाता है। ठीक है, अब आप कहोगे ये प्लेक जो हमारा फैट और लिपिड है, यहाँ जमा क्यों हो गए, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे इकट्ठा क्यों हो गए। तो देखो क्या होता है, जैसे हम मान लो कुछ काम, जैसे मान लो हम सिगरेट पी रहे हैं, सिगरेट से निकला हुआ केमिकल क्या करता है, आर्टरी जो हमारा ये पाइप है, पाइप के दीवार को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। अब क्या होता है, जो हमारे ब्लड है, ब्लड यहाँ से देखो, ब्लड इधर से बह रहा है, फैट लिपिड सब चल रहे हैं। तो जब जैसे जैसे आगे जाते हैं, फैट और लिपिड देखते करें, ये देखो आर्टरी वॉल्स क्या हो गया, यहाँ पर डैमेज हो गया है। तो डैमेज हो गया तो क्या करते हैं, सब अपना स्क्रू ड्राइवर सब पेचकस से निकाल के लगते हैं इसको मरम्मत कर रहे हैं, इसको लगते हैं आर्टरी वॉल्स को बनाने। अब जब जाहिर सी बात है कि अगर फैट और लिपिड लगेंगे मिलके यहाँ पे बनाने, तो यहाँ पे इनका समूह बोलो तो इकट्ठा हो जाएंगे, यहाँ पे जमाव हो जाएगा किसका, फैट और लिपिड का। तो जब फैट और लिपिड लगेंगे मिलके बनाने, तो यहाँ पे बोले तो फैट और लिपिड के यहाँ पे भीड़ लग जाएगा, और फैट और लिपिड का भीड़ लग जाएगा तो उसी को हम बोलते हैं कि हमारा क्या, प्लेक का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हमारा इसमें है कि यहाँ पे क्या होता है, प्लेक का फॉर्मेशन हो जाता है। प्लेक के फॉर्मेशन होने की वजह से हमारा जो जितना अब ऑक्सीजन जा रहा था, पहले जितना ब्लड लेके ऑक्सीजन जा रहा था, अब ब्लड कम जाएगा, तो ब्लड कम जाएगा तो ऑक्सीजन भी कम जाएगा, तो हमारे मसल्स में कम ऑक्सीजन मिलेगा, तो हमारा जाहिर सी बात है अब मसल को कम ऑक्सीजन मिलेगा, तो आप काम उतने अच्छे से कर नहीं पाओगे। क्योंकि अगर हम आपके नाक बंद कर दें, तो आपको जानते हो आपके शरीर में पूरा ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, आप तुरंत बेहोश होकर गिर जाओगे। तो
तो उसी तरह हमारा हर्ट भी है, हर्ट को भी नहीं मिलेगा, हमारा ये भी लगेगा फड़फड़ाने रहे, मर जाएंगे, लगेगा तड़पने तड़पने लगेगा, तो आपको दर्द होगा तो जाहिर सी बात है उसी दर्द को तो हम बोल रहे हैं कि एंजाइना पेक्टोरिस होता है। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है एंजाइना पेक्टोरिस। अब अगर आपको एंजाइना पेक्टोरिस हो गया तो उसके क्या क्या कारण है, बोले तो इटियोलॉजी किस कारण है वजह से हो सकता है, तो उसका कारण है हमारा इटियोलॉजी है डायबिटीज, डायबिटीज के कारण होता है ये, क्या है इसके कॉज है, किस कारण से हो रहा है आपको, कॉज बोलो या फिर इटियोलॉजी बोलो कोई दिक्कत नहीं है। डायबिटीज होगा तो भी आपको एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है। ठीक है, अगर कोई स्ट्रेस लेता हो तो भी आपको एंजाइना पेक्टोरिस होने का खतरा है। तो ध्यान से अगर ये सब चीजें हैं तो थोड़ा सा ध्यान से रखना, बचना, अगर ऐसा कंडीशन कभी ये सब चीजें आपको हैं और आप कर रहे हो और आपके सामने अगर कभी ये कंडीशन दिखे तो एक बार जरा दिमाग जरूर लगाना अपना वहां पे, कहीं आपका एंजाइना पेक्टोरिस तो नहीं हो गया है। ध्यान से इसका जो दर्द कहाँ उठेगा, लेफ्ट साइड में, क्योंकि हार्ट इधर ही है तो हमारा हार्ट लेफ्ट दर्द इधर से उठेगा, पूरे बॉडी में फैल जाएगा। अगर ऐसा दिखेगा तो समझ जाना हमको एंजाइना पेक्टोरिस का, तुरंत जाके क्या करें, एक बार जाँच कराएं। ठीक है, इसमें ब्लड टेस्ट वगैरह होता है अपना, देखते हैं किसमें कितना, कहीं डिटेक्ट करते हैं कि कहीं हमारा कोलेस्ट्रॉल वगैरह या फैट लिपिड का कहीं कितना है, कितना अमाउंट में है, ब्लड में कितना है फैट लिपिड, ये चेक किया जाता है। चलो, तो हमारे ये डायबिटीज होगा, स्ट्रेस होगा, हाइपरटेंशन होगा तो भी, हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर वाली प्रॉब्लम होगी तो भी आपको एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है। स्मोकिंग होगा तो भी आपको एंजाइना पेक्टोरिस होने, अब ज़्यादा स्मोकिंग करो, खूब स्मोकिंग करते रहो अगर आपको क्या सकता है एंजाइना पेक्टोरिस, क्योंकि इससे निकला हुआ केमिकल क्या करता है, इसके आर्टिवास को डैमेज कर देता है। ठीक है, ये अब अगर ये आपको सिम्टम्स क्या है, अगर आपको एंजाइना पेक्टोरिस हो गया तो आपको क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, वीकनेस होगा पहली चीज, आपको कैसा महसूस होगा वीकनेस, स्वीटिंग, पसीना खूब गिरेगा, जैसे हमको इस समय गिर रहा है, खूब पसीना गिरेगा आपको, हालांकि मुझे उतना नहीं गिर रहा है। दूसरा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, आपको सांस लेने में कमी महसूस होगा ऐसा, और सबसे बड़ी चीज, एक चीज मैंने नहीं लिखा कि आपका चेस्ट पेन होने लगेगा। ठीक है, ये लिखा मैंने चेस्ट पेन, समझ जाना ये चेस्ट पेन, आपको चेस्ट में आपके पेन होने लगेगा, तो समझ जाना ये क्या है, सिम्टम्स है, लक्षण है किसके, एंजाइना पेक्टोरिस के। तो ये काफी आसान था एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, बहुत ही सिंपल लाइन में आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।